सुषमा का अच्छा सुबह सुबह उठ नहा वहा के पूजा पाठ कर लेती है मस्त। ये देखो यहाँ पे मैंने गद्दा बिछा दिया और सूखने के लिए इस पे खेल रहे हैं लोग। क्यों करेला खरीद के लाया यार, कोई और सब्जी नहीं दिखी तुम्हें? करेला सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं जा रहा हूँ साफ सफाई करने, और ये पोछा यहाँ मेरा रखा हुआ है, बेडरूम साफ कर दिया हूँ, किचन बाकी है, हॉल बाकी है। पूरा कलर खराब हो जाएगा बेटा। नहीं होगा, मैंने कोई ड्राइंग सीखा है कि पेपर लो और जो ये आपके और पेपर गल जाएगा आपका, देख लेना। नहीं गलेगा। वाह क्या स्टाइल है। अब इसके वजह से पेट भी साफ हो गया मस्त सा। आप करेला खाओगे? उसमें खाने के लिए देखिए कैसा कर, ये थोड़ा अंदर से पका टाइप का है ना बीज, इसको पक रहा है। रुको रुको खाओ, अब खाओ। शुगर तो कभी होगा ही नहीं। कड़वा लगा शुगर आता है ना। ये देखो पापा खा रहे हैं, पापा देखो खा रहे हैं, बहुत कड़वा है यार। यही तो नहीं चालू नहीं, तुम्हारा दरवाजा नहीं खुल रहा है, बहुत कड़वा है, फूला है। चलो भाई मैं तो देखो पोछा मार रहा हूँ, घर में भिगा दिया हूँ, सुषमा देखो क्या कर रही है हमारा दीवार। अरे होली की तैयारी, बाप रे गिरोगी यार। ये ऐसे कैसे कैसे किए थे यार? क्या कैसे? उसको फिर कैसे रख दिए थे? क्यों ऐसे रख के दिखा, आसानी से रखते क्या, इसमें क्या बड़ी बात है। अब मैं भी जा रहा हूँ थोड़ा सफाई कर रहा हूँ सुषमा का, मैंने पोछा मार दिया उधर, इधर मारना बाकी है। पूजा वाला हटा देता है, अब मुझे ये वाला रखना है यहाँ पे, बनवाना है नहीं, वाव वाव करना है। क्या सब क्लीन कर करके रखना है ना? हाँ। ओके ये घी का टप्पा कहाँ रखो? सर पे। कितना हार्ड काम है यार, लगता है इजी है, साफ सफाई करते रहो ना बहुत यार। इससे अच्छा तो झाड़ू पोछा मुझे अच्छा लगा, फटाफट हो जाता है। अकेले अकेले का फोटो खींचो। मैंने पोछा ये कहाँ रखोगी? और ये काम बढ़ा रही है। चलो अपना काम करते हैं, मेरे को सिर्फ इतना ही मानना पोछा, बस इतना। ये नोजी भूत आ रहा है। अरे छींची मत करो, छींची मत करो। संस्कृति क्या कर रही हो और आप क्या कर रहे हो? जल्दी करो सुषमा यार, पोछा मारना है, नहाना है। ये सारे चने से खराब हो गए, घुन गए। चलो अभी जा रहे हैं पोछा मार के नहाने के लिए, सुषमा का काम खत्म। ए लो फिर से सफाई चालू हो गई सुषमा का, मुझे लगा खत्म हो गया, लेकिन ये करने के बाद ये नीचे वाला चालू हो गया। हे भगवान, ये बर्तन एक ही करके साफ करोगी? इससे मैं अपना बॉडी बनाता था किसी जमाने में जब बैचलर था। आज देखो किचन में सामान रखने के लिए यूज हो रहा है। अपना ही किचन बना हुआ है तो ऐसे ही एडजस्ट कर करके क्या करूं। हाँ अभी देखो फ्री हुआ, अब जा रहा हूँ नहाने के लिए मैं। चलो दिव्यासी, तो गाइस टाइम आई थिंक 3 बजने वाला है ना, अब जाके नहाया मैंने सुबह सुबह से। आज खाने हमारे बने हैं करेला का सब्जी, करेले की सब्जी, मुझे वो खाना है। दाल किसका सुषमा? खड़े मूंग, खड़े मूंग की दाल, मुझे बहुत पसंद है खड़े मूंग की दाल। और ये नहीं है, खत्म हो गया है यार, भूल गई। होलो ये क्या हो गया, ये क्या है बेटा? ये दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है दिव्या से, हम लोगों को मतलब परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ गिराती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है कि गुस्सा आता है देख के। कितना प्यार से खाना दिया सुषमा ने, सजा उजा के मस्त। तो गाइस अभी देखो ये कितना पानी गिरा के एकदम खराब कर दिए पूरा घर, तभी मम्मी गुस्सा की तो मैं इसको जबरदस्ती लेके आया हूँ, कपड़ा चेंज करके सुला रहा हूँ अभी। क्या करने जा रही है सुषमा? क्या करूँगी? अरे डिस्टर्ब मत करो यार, सो रही है ना, ये लोग एक दूसरे को सुन ही नहीं देंगे, ऐसे ही करते रहेंगे रखते हैं। भाई शांति की नींद नहीं मिलती, बच्चे सोने नहीं देते, न सोएंगे न सोने देंगे। तो मस्त सो के उठ गए अभी, देखो अभी तो उठते ही क्या कर रहे हैं, पढ़ाई चालू हो गई। गुड गर्ल, आई लाइक दिस।
वो भी पढ़ रही है? वाह, नहीं ये टीचर है। अच्छा, वो टीचर है, स्टूडेंट है। कैसा लग रहा है? चाकू से खाए डर नहीं? थैंक यू। सुषमा ने दिया मस्त नई नई काट के पपैया, अब मैं जा रहा हूँ खाने। चलो साथ में खाते हैं। कोई कोई खाएगा? आप लोगे बेटा? लो आप भी लो, केक लो। लो बेटा आप खा लो, आप खाते तो अच्छा लगता है। ऐसा ही होता है बच्चों, मैं अपने लिए खाने के लिए निकालता हूँ, बच्चों को पसंद आता है तो बच्चे खा लेते हैं। अभी दिव्यांशी खा रही है। तो अभी टाइम हो गया 7:30, 7:27 हो गया। हम लोग जा रहे हैं मार्केट में सब्जी लेने। अभी जा रहे हैं बेटा? ट्यूशन था, ट्यूशन था आज। आंटी ने मुझे होमवर्क दे देती हूँ। ये हंकी का हालत क्या करके रखी? क्या हुआ? ये क्वाइन कलर लगा कि क्वाइन लगा? हाँ सुबह मैंने देखा था। देखो सुषमा जा रही है सहेलियों के साथ चलते चलते, और मेरा हाथ पकड़ के दिव्यांशी चल रही है। और आ गए हम लोग मार्केट में। अभी एक साड़ी 150 रुपये की। गोदी तो सुषमा ले रही है अभी मूली। दिव्यांशी गई है स्टोर। तो मैं चला आया घर पे क्योंकि ये बेबी सो गई थी। अब देखता हूँ सुषमा कब तक आती है। तो सुषमा आ गई सब्जी लेके, देखो खाना बना रही है। अब मैं सो गया था, अभी उठा हूँ, खाना खा के सोना है अभी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।